करना चाह रहा हो तू? अरे नितिन बस दो मिनट रुक जाओ यार। अरे कुछ बताएगा भी, बता ना कहाँ कर रहा हो? अरे दो मिनट रुक जाएगा। अरे यार तू तो बता ना मुर्गा क्यों बन रहा है? अरे मुर्गा या मारा बन रहा हूँ, अपनी मैडम रोज स्कूल में याद करने कहवे और मुंह पे याद होता ना, फिर 15 मिनट को मुर्गा बना दे। मैं अपनी टांग ना मुर्गा बन के इतना मजबूत कर लूंगा कि आधे घंटा में भी दर्द ना होवे। तो या मारा मुर्गा बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर याद ना करे करूंगा, जाते ही मुर्गा बन जाया करूंगा। ओ भाई कितना टॉप का दिमाग है तुम्हें, हट जा मूवी प्रैक्टिस कर लंदा, मेरा भी काम पूरा रहता, जल्दी हट जा जल्दी हट। अरे बालको। हाँ पापा जी। ना को आओ। आ रहा हूँ भाई, पापा बुला रहे। तू जा, मैं तो मुर्गा बनूंगा पहले। चल ठीक है। हाँ पापा जी। पंप कौन है का? या का पंप? वो तो नथु को लौंडा ले गया जी। क्यों? वहाँ के लौंडा के जन्म दिन हो तो आपने गुब्बारे फुलाने हमारा। जो हमारे साइकिल में हवा ना हो और तेना उन्हें गुब्बारे फुलाने को पंप दे दियो। ए पापा जी घूम के जिम्मेदार आदमी हम, अगर हम पंप ना देंगे तो आके गुब्बारे ना फूलेंगे, फिर वह लुकेंगे यार इतना मोटा मुआवजा मिला पंप ना दिखा सकते। मैंने तुम्हारी इज्जत रखने को दिया पंप पापा। तेरी थूत पे ऐसा घोसा मारूंगा शिकल गुब्बारे से हो जाएगी। तब पापा जी वहां भी तो हमारा ही फायदा, मेरा जन्मदिन हो गुब्बारे लिए मतलब एक घूस हमारे गुब्बारे तैयार। बहस कर रहा हूँ ना पापा जी, मजाक ना कर रहा। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ? हाँ बता। जो तुम रात में दोनों भर भर पाते रहो ना, अगर वह इकट्ठा कर लो और सुबह एक ही बार पाते करो तो दोनों ट्यूब में हवा पूरी 35 रहेगी। चला जाए हाँसू, ना तो ऐसा पा दूंगा अपने मोह मन जाग गिराएगा, समझ गा। अच्छा वैसे कौन जा रहे पापा जी? नहीं जा रहा हूँ बाजार तक खाद लेने। बाजार? तो एक काम करियो पापा जी, 2 किलो मूंगफली और 250 ग्राम गज्जक ले आइयो। जो 2 दिन पहले लाए थे कहाँ गई? वो तो खत्म हो गई, मैं जब तक रात में गज्जा का मूंगफली ना खा लेता ना मेरा पढ़ाई में मन न लगता और मन न लगेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा और फेल हो जाऊंगा तुम्हारी पूरी फीस बर्बाद होगी। या हमारा 100 रुपया की गज्जा का मूंगफली ले आइयो ना तो मैं फेल हो जाऊंगा मौका। ले आऊंगा बाबू जी ले आऊंगा, बस तू भैंसों को निहार कर लीजिए पहले टाइम तू। दिक्कत मत लो पापा जी, निहार तो निहार भैंस भी कतई चका चक मिलेंगी। उल्लू के पट्ठा ने खून पी रखा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रोत मस्तानी कब आएगी तू। नितिन! हाँ। अरे भाई भूस के कोटे में भूतली बैठी है। भूतली? हाँ जल्दी आ। भाई भाई देख, भाई पापा नुके निहार कर लीजो, मैं यहाँ भूसके कोठा में गया, एक पता ना भूतली सी बैठी है, मैं देखे मेरी क्या ला क्या। रहा मैं देखूं। भाई तू आगे चल। राजा भी डर रहा मेरी क्या नुके भी आगे आराम से चलिए, हम दो ही भाई हैं भाई। तू दिख रहा है भाई। राम राम जी। राम राम जी। इधर लौंडिया है यार यू। लौंडिया तो बाहर बुला ले। बाहर को जाओ जी। अरे आ रियो तो आ जाओ ना, तो ये भूसका कोटा हमारी है, इन झुंडा ने पकड़ के खींच लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैं ना कह रहा तो उसे लौंडिया यही हो। झुक देख झुक देख। हेलो जी। भाई आसुया का नाम पूछ। वैसे आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम हनी। हनी? मैं बता मैं बता, हनी माने शहद। अरे मैं दिमाग खास है, हनी नाम भी हो करे। अच्छा चल चल आगे पूछ। वैसे यहाँ क्या करना है तुम? अरे यहाँ क्या करेगी, भूसके कोठा में आई है तो भूस लेने आई होगी। अरे नहीं नहीं मैं तो अपने घर से भाग कर आई हूँ। भाग के? अरे तू हमें बता देती, हम तो टेम्पू कर देते। मैं तो लोडर मंगा देता। अरे मैं तो ट्रैक्टर भिजवा देता यार, DCM मंगा देता। तू यार हमें बता ही ना रही, बता जहाज की टिकट भी आवे हमारे गांव में। अरे नहीं नहीं मेरे घर वाले ना मेरी शादी करवा रहे थे, इसलिए मैं अपने घर से भाग गई, और मुझे ना शादी नहीं करनी थी और उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए ना कुछ गुंडे भी भेजे थे, इसलिए मैं यहाँ आके छुप गई। तू क्यों रो रहा है? अरे भाई हम दोनों उनके होते हुए भी इतनी मलूक लौंडिया के कुछ गुंडे ने कपड़ा फाड़ दिया यार, अब मैं डूब के मर जाना चाहिए भाई। आ, 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 आ,
अबे पागलो, ये फैशन है। फैशन? हाँ। तो ये कौन सा फैशन है? अगर तेरा ये फैशन हमारी मम्मी ने देख लिया ना, तो तेरी चुटिया पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर देंगे। पर फैशन है तो कोई बात ना जी। वैसे मेरा नाम मृदुल है। मेरे को मिलवा रहा हूँ। या का नाम नितिन है। हाथ तो छोड़। अब आप एक काम करो, हमारी गए चलो, वहाँ कोई गुंडा गुंडी कोई नहाने का, और अगर आ गए ना तो वहाँ की कुंडी लगा दूंगा। आ जाओ। आ जा। तू आ तो सही हमारी गैल। अरे तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तो जब हमारी गैल रहेगी, हमारी गैल चूरन खाएगी, जब ही तो जान आएगी। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने का भूत है, हम इतने मलुक से लौंडा, स्मार्ट, हैंडसम, और वैसे भी डरने की जरूरत क्या है? यू घेर हमारी है, यहाँ हमारा बाप भी आने से पहले पूछे कैन आई कम इनटू योर घेर, पर हम मना कर दे ना तो चुप चले जा घर को। आज जल्दी चल रहे हैं वहां को। बेटे अगर थारे बाप को पता लग गया तुम लौंडे लियो फिर रहे घेर में, थारी धैसी तोड़ देगा वो। अरे यार तू हमारे हो तो दिक्कत मत ले यो, ठीक है ना? और टेंशन नाम की सारी चीज अपने दिमाग से निकाल और नितिन के मुंह पर फेंक के मार। अरे यहाँ बैठ, फिर मैं बता दिक्कत का चीज की तो। और नू बता दा चाहिए कहाँ का, अभी ला के दूंगा एक मिनट में। हाँ रहने दे, चारा तो लाया ना गया तेरे पे, इसे ला के देगा तू चमन परास। देख ले बबीता कितनी बिगड़ गया इसमें एक दैट की औलाद है। यार वैसे मुझे एक बात तो पता लग गई, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। क्यों तुम्हें कैसे पता, तुम तो शहर में रहो। अरे तुम दोनों हो ना बहुत अच्छे। है ना यार हमें पता हम अच्छे हैं, पर आज तक ये बात हमारी मम्मी ने कभी हम सुनो कही। नू ही कहती ना कुत्ते ने मैं गोली लगवा दूंगा दिन। ओ अच्छा कुछ भी ना हो, ये तो हमारा अच्छा बन रहा क्योंकि तुम अच्छे हो और वो पसंद भी हो। अरे तुम यहाँ की बात ना छोड़ो, नू बताओ कै साल की हो तुम? 20 मतलब 20 सही में? हाँ। और मैं 21 साल का हूँ। बहुत बढ़िया मैचिंग है वैसे। अरे भाई करवाओ भी मैचिंग, एक गद्दी पे लग गया ना तब मिस मैच हो जाएगा। यार मुझे तो टेंशन हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बाबू तू मो बता ना, तो काहे चीज की टेंशन है, मैं हूँ तो सही हूँ। हाँ तू ही तो है, हम तो यहाँ बात देने आए। बाबू तू मो बता। अरे बाबू तुम बता ना। अरे वो मो बताएगी। पहले तुम दोनों ही अपनी दिक्कत दूर कर लो, लौंडिया की बात में कर दियो। मेरी जान तो मो बता क्या दिक्कत है। जब मैं कह रहा हूँ मो बताएगी। बाबू तुम मो बता। मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे ना बाबू बैठ जाना। और ये बाबू बाबू क्या लगा रखा है, मैं किसी की कोई बाबू बाबू नहीं हूँ, ठीक है? अरे बाबू गुस्सा क्यों हो रही है, हम जब भी किसी खूबसूरत लौंडिया देखे ना तो हमारा ऑटोमेटिकली बाबू बाबू निकला है या मारे है। यार मैं सुबह से भगे जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं जब ही देखा खचरान से क्यों बात कर रही है। बाबू तुम मो बता ना। अरे चल पानी लेकर। ओहो बीड़ी का मंडल जैसी शकल हो रही है बाबूजी की, और खचरा बता रहा हूँ बेटा, जाएंगे तो दोनों गैल जाएंगे न तो कोई भी जाने को। चल ठीक है चल रहे हैं। बाबू तू यहीं बैठ और मैं तो पानी लेकर आ रहा हूँ। अरे सुनो तो मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी, मुझे तो अकेले डर लगता है। अरे तो ये बाउंसर क्यों बैठे हैं यहाँ? ना बाबू हम बाउंसर नहीं है, मालिक है यहाँ के, झूठ बोल रहा है मृदुल। चल तू अब एक काम कर, तू वाला लौंडिया पानी दे दे और मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तू कहाँ जा रहा? अरे चल तू सही, मैं आता रहूँ। जल्दी आइयो। हाँ अभी आ रहा हूँ। लो जी पानी। थैंक यू। कहाँ होगा इतना गंदा पानी? यार हमारे घर तो यू ही है, हम भी आई मोटर का पानी पिए। ये पानी नहीं पी सकती मैं। चल तू रुक जा, मैं तो कुछ फिल्टर का पानी लेकर आ रहा हूँ कहीं से। ठीक है। ए भगवान जी तब बता मेरी कोई सेटिंग ना है, और ये नितिन ज्यादा मलूकू बन रहे, वह लौंडिया बचाने की सोच रहा हूँ, तो मैं मेरी सेटिंग करवानी है कैसे भी करके। मैं अभी एक लौंडा सु गोम में जाकर नई बुर सेट मांग के आऊंगा, उमो पे बढ़िया लगे तब मेरी सेटिंग करवा दीजो। वैसे जय श्री राम जी। बकरा, ओ बकरा,
हाँ बता क्या बात है भाई। जो तूने वो दिन सोनू हर के ब्याह में मोह सट दी ना पहनने को, वो एक बार दे दे यार, मो आज भी हम जाना। ना भाई मैं दे रहा, पिछली बार देना चटनी बिखेर दी वहां पे और गंदी कमीज मुंह पकड़ा दी, धुआई भी ना भाई। दिक्कत मतलब या फिर तो धुआ के प्रेस करवा के कते चमका के दूंगा। ना ना भाई मैं दे रहा, पता तो पिछली बार मम्मी कितना लड़ी मोसू। भाई दे दे यार। जब कह दी ना दे रहा भाई, ना मेरे दे दे यार। रुक जा ला रहा हूँ। अरे सुन कमीज तो दे रहा हूँ पर अब की बेर में धोई हुई कमीज चाहिए। थैंक यू भाई थैंक यू। भाई मैं नू कह रहा हूँ यह शर्ट की कमेंट दिखाया करने, थूथ पे ऐसा रैपट मारू मर जाएगा। ओ अंकल। हाँ जी अंकल, ये बोतल में 5 रुपए का पानी दे दियो। हेलो मस्तानी, कहाँ है तू? कहूँ नहीं भैया, हम तो अपने घर हैं। भाई यार 500 रुपए दे दे। कहे भैया ऐसी का जरूरत पड़ गई। अरे कुछ जरूरी है कि जब भी तो मांग रहा हूँ बेवकूफ। वही तो पूछ रहे जरूरी का है, बताओ। अभी बताने का टाइम ना, तू एक काम कर बस फटाफट 500 रुपए ले और पुस्ता पे आ जा। ना भैया पहले मैं बात बताओ। अरे तेरे आते तो सब बता दूंगा, जल्दी लेके तो 500 रुपया। ठीक है भैया आ रहे हैं, जल्दी आ। ले बाबू मैं तो कुछ फिल्टर वाला पानी ले आया। थैंक यू। यार तुम कितने अच्छे हो। हाँ जी अच्छा तो हूँ मैं, जब मैं पैदा हुआ ना तो डॉक्टर ने भी नुकेरी कितना अच्छा बच्चा हुआ है, नुकेरी का एक पप्पी ले लूं, लेकिन मैंने मना कर दी क्योंकि मम्मी खड़ी ना हुई तो मो शर्म सी आवे। हाँ कल वही सोच रहा, ज्यादा तारीफ करने से यो लौंडिया पट जावेगी मेरे पे। कहाँ घूम रहा, जल्दी दे 500 रुपया। भैया पैसा देने आए थे, लेन नहीं आए और इतनी तेज मार दो कनपटी बिन आएगी हमारी। अरे कोई बात ना बाबू, ना हो तू मेरा लफड़ा पैसा है। ठीक है बाबू है। भैया बात तो बता दो, बात कहाँ है? तो बात तो पहले ही ना, अब तो पैसा मिल के बात खत्म। कहे भैया ऐसे कैसे बात खत्म, हम तुम्हारे चक्कर में पापा के पैसा चुरा के ले और तुम कह रहे बात खत्म, पहले मैं बात बताओ बात कहाँ है। अरे मस्तानी यार आज एक लौंडी अपने घर से भाग के आ गई है और हमने अपने घेर पे रोक रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ की वह 500 रुपए दूंगा तो वह लगेगी की लौंडा रही से तो वो पट जाएगी, या हमारे मैंने 200-500 रुपए मांगे हैं। भैया लड़की आई और तुम हमें बता रहे हो, एक दामोक मिलवाए तो पैसा कमी नहीं होनी है। आता अरे वैसे भी तो पानी है, तो मैं कुछ भी चाहिए हो ना, मैंगो शेक, बनाना शेक, लेमन शेक, एक मिनट में ला दूंगा मैं तुमको। अरे मिर्जुल देख लो एक घंटा गए वेर ला मैं कुछ भी। हाँ हाँ मिर्जुल क्यों लाएगा कुछ भी, नू ना पता मिर्जुल तो सूदी बरात ही लाएगा। अरे कहा है कैसे मंत्री बने चले आ रहे हो, करवाओ ब्याह। हाँ तो तू कैसे ऑल इंडिया के मक्खन लगाया जा रहा हो 25 के 1.5 किलो वाले। ओहो नई कमीज और पैरिया है मांग के, यही मारा इतना दिखे मंगती की बता रहा हूँ, अभी अभी खरीद के लेके आया हूँ, एक बोतल का ले आया ऐट दिखा रहा हूँ, तो मैं पैसा निकालने गया हूँ एटीएम तक। एटीएम? हाँ और का एटीएम गया, ये देख 500 रुपए निकाल के लाया हूँ पूरे, चल बारे वोट लो जी आपके लिए। ये मेरे लिए? हाँ जी आपका ही है, हम भी तो आपके ही है। यार यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। अरे जी क्या करें आप हो ही इतनी प्यारी, आपके नाम में तो इतनी मिठास है कि मैंने इतनी बेर लिया मेरी जीभ भी मीठी होगी, ऐसा लग रहा शुगर ना बढ़ जावे मेरी। अरे हनी मेरे को ही दे। अरे मायसेल्फ मस्तानी। हेलो ये जो 500 रुपया इनने दिए हैं ना ये हमारे हैं, और अगर 1-2 लाख की जरूरत पड़े तो बता दियो, इन सबको खर्चा हमें ही झेलते हैं। अरे यहाँ कोई है गाना नहीं इतना तू एक सामने। अरे यार हाँ टाटा पहले नू बता तू क्यों चुप रहा हुआ सू, 500 का नोट देकर बटाना चाह रहा होगा। अरे तू तो पानी की बोतल में ही काम चला रहा हो। हाँ हम तो ऐसी काम चलाएंगे, हम ही पटाएंगे। हाँ तो हम भी ऐसी पटाएंगे, तू डाल ले तो तू डाल ले हम पटाएंगे। अरे क्या देख लेंगे। अरे मारे भी कुतिया कसम खा कह रहा हूँ, वहां तो मैं ही पटाऊंगा। हाँ तो ठीक है मैं भी कसम खा रहा हूँ, अगर मैंने उन्हें पटाई ना तो वाकई झगड़ा जैसे बालन में लजके फांसी लगा के मर जाऊंगा। जा अरे भाई सर अट पर रखो।
बाबू तुम बता तो कहा चाहिए, मैं ला के दूंगा। तो तू यार छोड़, तू मुझे बता क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा। अरे मेरी जान तुम बता कहा चाहिए, मैं ला के दूंगा। तो अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बता, मैं ला के दूंगा। अरे मेरी कबूतरी मोह बता, तू मैं ला के दूंगा। बाबू तुम बता ना क्या चाहिए। अरे यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए। मैं अभी ला के दे रहा हूँ। बाबू जी दिक्कत, मैं और बढ़िया लेके आऊँ। तो बेटे पप्पा तेरे पे इतना खून फूक रहा, यह लौंडिया के चक्कर में तुम्हारा चारा ही भूल गया। और दही बड़ा खाने तो मैं बता दियो, घर है बने हमारे। बेटा तू जितना चिड़े है ना मौसू, एक बार मेरा ब्याह हो जाना जब बताऊंगा तो। बेटा मैं खाने इतना टॉप का लेके आऊंगा, ऊपर टैग ही मौसू। अच्छा और क्या काम करते हो आप? वैसे कुछ खास काम तो नहीं करत, लेकिन जब डेंगू मलेरिया सीजन चल जाता है ना, तब हमारी अच्छी कमाई हो जाती। अच्छा तो आप डॉक्टर हो? अरे नहीं डॉक्टर नहीं है, जब आदमी बुखार चढ़ जाता है ना और प्लेटें कम हो जाती, तब हम बकरियों को दूध बेचते हैं। अच्छा अच्छा। हेलो, अच्छा आप आ गए, वो लोकेशन जो मैंने भेजी थी उसी पर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ। काय कहाँ जा रही? अरे मुझे ना कोई लेने आ गया तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। काय अबे तो तुम बजट फिर रही थी, अब को ले भी आएगो? मतलब क्या कह रहे हो? अब तुम्हें मतलब को बताए, वैसे भैया को बताए दी थी तुमने? नहीं नहीं मैं क्यों बताऊँ किसी को। ठीक है मत बताओ, हमें क्या करने। अच्छा ठीक है तो मैं जा रही हूँ। तो हम बताए दिए। हमस्तानी, अरे जाके पीछे तुम भज रहे थे ना, बाका गौर के पीछे भज गई और तुम रोटी लेते रही हो। अरे मस्तानी मजे मतलब समझ गो। अरे तुम्हारी कसम भैया झूठी नहीं बोल रहे, अब यहाँ निकली बा कच्चे रस्ते तरफ निकल भाई लौंडिया बग्गी।